हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू राइट लेटर्स इन पर्सपेक्टिव। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए दोस्तों शीट हमारे पास हमेशा की तरह कार्ट्रिज रहने वाली है और स्टार्टिंग करेंगे एचपी पेंसिल के साथ। तो यहाँ नॉर्मली दोस्तों सबसे पहले चीज़ तो मैं जैसे एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन जो है बना रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि पर्सपेक्टिव में हम जब कंपोजिशन दोस्तों शुरू करते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में, तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं दोस्तों और इस तरीके से वनिशिंग पॉइंट से लाइनें बना लेते हैं जैसा कि आप जानते हैं। और ये सब बना लेने के बाद हम हमेशा जो है दोस्तों क्यूबॉइड या क्यूब शेप को जो है प्रेफर करते थे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। तो वही काम दोस्तों हम यहाँ पर भी कर रहे हैं कि हमने पहले अपना एक डिसाइड कर लिया है कि हमें जो वर्ड लिखना है तो उस वर्ड की हमने एक लेंथ जो है डिसाइड कर लिया है। छोटी बड़ी हो सकती है, ये टाइम के साथ वेरिएट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर जैसे मुझे दोस्तों होम लिखना है तो मैं जो है पहले सिंगली जो है उसको लिखना शुरू कर दूंगा एंड बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस आपको यूज़ नहीं करने हैं। सो ये जैसे देखिए मैंने यहाँ पर शुरू किया कि मैंने यहाँ पर H बनाया, O बनाया, M बनाया और लास्ट में E बना दिया। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये सिंगल लाइन में तो फील हो गया कि हाँ लाइनिंग धीरे धीरे पीछे जाते हुए छोटी हो गई है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, इसको डबल करना शुरू करना है। तो डबल करते ही सारा खेल जो है शुरू हो जाएगा दोस्तों। सारा खेल शुरू होने का मतलब है कि अब डबल होने के बाद आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपकी शेप को अकॉर्डिंग टू पर्सपेक्टिव किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। सो यहाँ आप दोस्तों देख सकते हैं कि वर्टिकल लाइंस को जो है जब मैं डबल कर रहा हूँ एंड जो साइड लाइंस हमने ली हुई है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से किस तरीके से अब ये अंदर की तरफ हमने ले ली है और यहाँ से इस एरिया को जो है डार्क कर देंगे सो डैट वो फील देगा कि वो एरिया पीछे की तरफ जो है अंदर की तरफ जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर भी देखिए दोनों साइड हमने ऊपर और नीचे दोस्तों कर दिया है। सो एच हमारा यहाँ पर 3D जो है बन चुका है। और ये देखिए 3D बन जाने के बाद अब ऐसे ही काम हम जो है ओ के साथ करेंगे। ओ की पहले अपनी जो मेन आउटलाइन है उसको कवर अप करेंगे, देन अंदर उसका जो छोटा सर्कल होता है उसको बनाएंगे। और जैसे एच की तरफ से हमने एक इसकी साइड जो है वो पीछे तक खींची हुई है, तो उसी तरीके से ओ को भी पीछे ले जाएंगे। अब जो मेन बात दोस्तों देखिए ध्यान रखने वाली है वो क्या है कि अब मैं दोस्तों पेंसिल से काम कर रहा हूँ, है ना। तो पेंसिल से काम करने का मतलब है कि अब ये मैंने आपके लिए एक रफली जो है समझाने के लिए शीट्स पे जो है चीज़ें बनाई हैं सो डैट आपको जो कंसेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और समझ में आ जाएगा दोस्तों तो फिर मैं इसमें और भी जो है कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने जो है दोस्तों पेश करूँगा, यानी कि मैं कुछ नई नई चीज़ें भी दोस्तों अल्फ़ाबेट्स के साथ आपके सामने जो है लेकर के आऊँगा कि किस तरीके से आप अपने अल्फ़ाबेट्स को और ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। चीज़ें धीरे धीरे आपके सामने दोस्तों मैं लाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोस्तों हमने अपने शेप्स को जो है 3D बनाने की यहाँ पर कोशिश की है। एम की भी जो है हमने लाइन अंदर की तरफ बना ली है। सो आप उसमें देख पा रहे होंगे कि जो लाइंस साइड लाइंस हमारी एच की तरीके से अंदर जा रही है वो सारे अल्फ़ाबेट्स में रूल फॉलो हो रहा है। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग हम जो है लास्ट में ई को भी कर देंगे। ई सबसे ज़्यादा छोटा है तो लाइनें काफ़ी ज़्यादा छोटी रहेंगी। पर जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि थोड़ी सी रफ जो है यहाँ पर हम काम कर रहे हैं पेंसिल से कर रहे हैं। इवन जब आप दोस्तों घर पर भी ये काम करेंगे तो हमेशा किसी भी चीज़ को जब आप करना चाहते हैं तो पहले रफली इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। अब ट्राई कर लेने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोस्तों हमारे पास यहाँ पर फील आ गया है। तो यहाँ वर्टिकल मैंने जो है शेड करके होम को 3D जो है बना दिया है। अब इसमें आप चाहे कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, फिर चाहे वो हॉस्पिटल हो या फिर कोरोना हो या फिर सक्सेस हो या फिर कोई भी वर्ड आप जो है लिखना चाहते हैं वो सारे वर्ड आप जो है अकॉर्डिंग टू पर्सपेक्टिव इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बाकी लाइंस को दोस्तों मैंने नीचे जो है यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया है सो डैट अगर मान लीजिए मुझे वनिशिंग पॉइंट के नीचे और लेफ्ट साइड में राइट साइड में नाम लिखना पड़ेगा तो किस तरीके से लिख सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में दोस्तों आ गया होगा। तो यहाँ पर भी हम जो है अपना सेम काम कर रहे हैं कि अपना सबसे पहला काम दोस्तों अपना कीबोर्ड एक रेडी कर लीजिए जिस कीबोर्ड के अंदर आपको अपनी वर्डिंग लिखनी है। और वर्डिंग दोस्तों मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि वर्डिंग में अगर आपका 19-20 का फ़र्क आ जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आया ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए यहाँ पर भी हमने जो है होम को पहले सिंगल इस तरीके से लिख लिया है। लाइन थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बॉक्स के बाहर चली जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको डबल करना मैंने शुरू कर दिया है। सबसे पहली चीज़ मैंने एच को यहाँ पर डबल करा और डबल करने के बाद अब लाइनों को जो है यहाँ पर डार्क करना शुरू कर देंगे एंड डार्क करने के बाद उसके कॉर्नर से जो टच होगी लाइन, जैसा कि हम बिल्डिंग्स में करते थे, गाड़ियों में करते थे और जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने बेसिक चीज़ों में बनाए हैं उनके साथ जो है आपने ज़रूर ये चीज़ सीखी होगी
कि किस तरीके से वर्निशिंग पॉइंट को आपको हैंडल करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि पीछे जो हमने एक लिमिट सेट कर दी है एच की, वहाँ तक मैं जो है लाइनों को जो है लेता हुआ दोस्तों जा रहा हूँ। एंड वर्निशिंग पॉइंट की हेल्प से जो मुझे लाइन मिल रही है उन्हीं लाइनों के अकॉर्डिंग हम जो है काम कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट अपने आप ही जो लुक उसका आना चाहिए वो आने लगा है। यानी कि दोस्तों पर्सपेक्टिव एक अपना एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा ग्राफ है। जब आप पर्सपेक्टिव ग्राफ के अंदर कोई भी जो है अपना ऑब्जेक्ट उठा के डाल देते हैं, फिर चाहे वो प्रिज्म हो, कोन हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, अल्फाबेट्स हो, इवन कुछ भी 3D चीज़ अगर आप उसमें डाल देते हैं पर्सपेक्टिव ग्राफ में, तो उसका हल अपने आप निकल आता है। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि जैसे हमने बिल्डिंग और ब्लॉक्स बनाए थे उसी हिसाब से हम जो अपने अल्फ़ाबेट्स को दोस्तों यहाँ कवर कर रहे हैं। आई होप आपको जो है ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी एंड आप इस चीज़ को ज़रूर जो है ट्राई करके देखेंगे। जो लोग पहले से कर चुके हैं, जो मेरे दोस्त पहले से इस बारे में जानते हैं, तो वो इसके साथ दोस्तों और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको जो है दोस्तों करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है अपने वर्डिंग्स को ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। जितना ज़्यादा आपको नॉलेज होती है टूल्स के बारे में, फील्ड के बारे में, जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस हो चुका होता है, तो आप चीज़ों को आपस में मर्ज करके ना गेम खेलते हैं। तो यहाँ पर भी हम जो है दोस्तों वही काम कर रहे हैं। अब सपोज़ करिए यही होम दोस्तों आपको एज लाइक 2 पॉइंट परस्पेक्टिव में बनाना हो या 3 में बनाना हो, आई होप दोस्तों आपको अच्छे तरीके से वो चीज़ बनानी आ जाएगी, वो ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। और अपने आर्टवर्क्स दोस्तों आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जो है शेयर कर सकते हैं, लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। तो आप वहाँ से जो है मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जो है दोस्तों जा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो है आपको मेरे फेसबुक का भी जो है पता चल जाएगा। एंड देखिए दोस्तों मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपने आर्टवर्क अगर शेयर करते हैं मेरे साथ, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं ज़रूर उस पर जो है आपको सजेशन दूंगा कि आप किस तरीके से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं या क्या क्या आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों सेम प्रोसीजर के अकॉर्डिंग एमकॉम ने वैसे तो कॉर्नर लिया था, लेकिन अब यहाँ पर फ्लैट करके ऊपर से और इस तरीके से हमने काम कर दिया है। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों कि किस तरीके से जो है हमारा काम और हमारे जो वर्ड्स हैं, हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू पर्सपेक्टिव। और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है दोस्तों, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं आ रही होगी समझ में। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें जो है चीज़ों को बस इसी तरीके से अटैम्प्ट करते रहना है, फिर चाहे वो सिंगल अल्फ़ाबेट हो या पूरा वर्ड हो, आराम से आप जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं पूरे वर्ड में। अच्छी बात ये होती है कि कुछ कुछ चीज़ें आपको पूरी नहीं बनानी होती है, जैसे होम में हमने एच को ही बस पूरा कंप्लीट शो किया है क्योंकि वही शो हो सकता है अच्छे से। इसके ऊपर दोस्तों मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी अल्फाबेट्स 3D के ऊपर, एंड ये मैंने फिर से जो अटेम्प्ट की है। सो डेट आप में से जो है दोस्तों रिक्वेस्ट आई थी कि हॉस्पिटल को आप जो है लिख करके दिखाइए पर्सपेक्टिव में, तो ये मैंने एक दोस्तों आइडिया आपको दे दिया है। एंड आई होप आप जो है अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे फिर से आप मुझे दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं फिर से जो है उस चीज़ पे काम करूँगा। लेकिन अगर मैं रिलेटिवली दोस्तों चीज़ आपको समझा रहा हूँ तो ये ज़रूरी है कि आप दोस्तों उस चीज़ को वैसे अटेम्प्ट करें। अब देखो ये लिखने को मैं वही लिख सकता था बट लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए, सो डेट आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँ जिससे कि आप चीज़ों को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ए बनाने की दोस्तों यहाँ पर कोशिश मैं कर रहा हूँ कि बॉक्स लेकर के उसमें मैंने जो है अल्फ़ाबेट ए जो है अटेम्प्ट कर लिया है विद डबल लाइंस, एंड डबल लाइन की मदद के बाद जो है सेम प्रोसीजर जैसे मेरा लाइन पीछे की तरफ जा रही है वैनिशिंग पॉइंट की तरफ, वही जो है
में बनाए हैं, तो राउंड शेप से मैंने आपको जो है बहुत बार ये चीज़ बताई हुई है कि अगर राउंड शेप आप आगे बना रहे हैं तो पीछे भी अगर मान लीजिए आपको अपनी शेप को अटैम्प्ट करना है तो आप राउंड बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने एक ट्रायल दे रहा हूँ कि जिसमें कि मैं डायरेक्टली जो है शेप को पहले अटैम्प्ट करूँगा एंड आप देखेंगे कि उसको किस तरीके से हमें आगे वाली शेप के साथ कनेक्ट करना है। तो ये जो राउंड शेप है ये इस तरीके से देखिए स्क्रबल आप जो है कर सकते हैं डायरेक्टली राउंड शेप को बनाने के लिए। सो जो अंदर से देखिए जो कटिंग हमारी आ रही है, ये देखिए ये जो कटिंग हमारी आ रही है ये ही हमें जो है बताती है कि भाई सर्कल शेप आपका किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है। एक कॉइन आपकी यहाँ पर जो है रेडी हो गई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें दोस्तों मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए आप जीवन में नई नई चीज़ें ट्राई करते रहिए, बिकॉज नई नई चीज़ें ट्राई करने से ना एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मिलता है और मज़ा खुद को बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों। लिटरली मतलब मुझे कैलीग्राफी भी दोस्तों बहुत ज़्यादा पसंद है एंड जब मेरा ड्राइंग करने का मन नहीं होता है या ड्राइंग के बीच बीच में भी जैसे जब मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा होता हूँ तो एडिटिंग करने के बाद जब रेंडरिंग हो रही होती है तो मैं दोस्तों कैलीग्राफी भी करता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। कैलीग्राफी करना बड़ा सेटिस्फाइंग है और चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ देखिए नीचे की तरफ मैं जो है एक और जो है वर्ड लिखने वाला हूँ तो उसमें सारी चीज़ें मैं कंप्लीट नहीं करूँगा, आप उस चीज़ को पूरा कंप्लीट करेंगे एंड मुझे ज़रूर जो है सेंड करेंगे सो डैट मैं चीज़ों में जो है आपकी करेक्शन बता सकूँगा। तो इस तरीके से इसको कर कि हमारा ये इस तरीके का जो कंसेप्ट है वो लगभग जो है पूरा हो चुका है। तो आई होप दोस्तों आप और भी बहुत सारे वर्ड्स जो है पर्सपेक्टिव में ट्राई करेंगे और मुझे जो है ज़रूर सेंड करेंगे जिससे कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं और आपकी कमियां जो है आपको बता सकूं। तो इसी तरीके से दोस्तों आप लोग अपना काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और कोशिश कीजिए हर दिन नई चीज़ सीखने की। तो वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। थैंक यू सो मच।